अब गाइस अब खींचने का टाइम है, गाड़ी को खींचते हैं। आई थिंक 5 सेकंड में चिड़ियों की सो या ये सोनिया दो दिन हो गया देखे ना, काली पड़ी नहीं पड़ी थोड़ी, अब जाएगी घर पे। गाइस मेरे को छोड़ के चली गई थी है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा, बिना फालतू में लड़ लुड़ा के जाएगी तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। ओहो देख बालन बांध रही के चोटी ली मंदी का भाई खतर, बालन बांध दे देख जन। ओहो देख 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 लारम कदी बांधी नहीं मार कर रही है, आज तक नहीं बांधी, तेरे घर पे छोड़ के गई है। खाने के लिए मिला कुछ अच्छा? मैं तो रात का पनीर बनाने खाया 1 किलो रखा तो होगा। हाँ पड़ी है सब्जी, और मेरे हाथ की सब्जी खाएगी ना तू, तेरे मुंह के अंदर पानी आ जाएगा। और जिंदगी में नहीं खाई होगी तुमने ऐसी सब्जी, इतनी मस्त सब्जी बनाई मैंने। तो सोने तेरे पापा आ रहा है, बुद्धि देख देख डंडा लेके करने देते, इसके अंदर पैसे लगते अलग से, पता नहीं पहले तो फ्री था यार, पता नहीं आजकल पैसे लेने लग गए। वो ये कि पहले लालच देते हैं और फिर। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे गाइस। और तुम्हारे भाई ने माइक ले लिया अच्छा वाला, और अपने वन प्लस के लिए कवर भी लिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा ये कवर, अचानक से लिया था, अच्छा लग रहा था फ़ोन पे, कवर लिया मैंने। और ये अपने फ़ोन का मतलब माइक लिया, एक कैमरे के अंदर है इसका, और ये ब्लूटूथ कनेक्ट है पूरा, काफ़ी अच्छी वॉइस आ रही। तो अभी ट्राई करेंगे, अभी वैसे भी राइड पे जा रहे तो वॉइस अच्छे से क्लियर आनी चाहिए। अगर भैया ने बोला कोई दिक्कत होगी तो चेंज वगैरह हो जाएगा ये। तो गाइस फिलहाल माइक वगैरह ले लिए, और अभी मैं सोनिया को लेने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है सोनिया ने अभी मेरे से झगड़ा कर लिया, तो अभी लेने निकलते हैं उसको। और अभी नया माइक लिया तो देख अभी वॉइस अच्छे से क्लियर आनी चाहिए, इतना पैसा लगा तो 1700 रुपए का माइक आया ये। और आगे पुलिस वाले भी नाकाबंदी कर रखी है यहाँ पे, पता नहीं हमारे पुष्कर में कब से पुलिस वाले आने लग गए हैं। अब चला के देखते हैं बाइक को, अच्छे से वॉइस आनी चाहिए यार, भगवान करे बस। देखिए हमेशा से गाड़ी की अच्छी, आप लोगों को पता है माइक में आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, आगे पुलिस वाले तो नहीं है, पुलिस वाले तो नहीं है यहाँ पे चौकी, आप लोगों को पता है पुष्कर चौकी। आज भी जो पहले पहले मतलब पुलिस वाले थे डॉक्टर लेकर खड़े थे, अभी उस टाइम में आया था जब कैमरे स्टार्ट ना व्लॉग स्टार्ट किया ना कैमरे चल रहा अपना। तो भाई फिलहाल अभी माइक चेक करते एक बार गाड़ी को तेज भगा के, तो वॉइस क्लियर आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। 1700 रुपये लगे और 6 महीने की गारंटी है इसकी, अभी वॉइस क्लियर आनी चाहिए बस, और किसी फालतू आवाज आई ना तो कोई मतलब ही नहीं है मेरी गाड़ी में। वॉइस क्लियर आ गई ना मज़ा आ गया, अगर आगे लड़के जा रही है मस्त मस्त। अब गाइस अब खींचने का टाइम है, गाड़ी को खींचते हैं। कुछ भी करो केटीएम मतलब ना 5 सेकंड में सो चुका थी मैंने इसको, आई थिंक 5 सेकंड में चढ़ी होगी सो, बहुत जल्दी चढ़ी यार ये सो यार। माइक चेक कर रहा था गाड़ी में रोक के, आवाज़ यार मेरे को मिस्टेक लग रही है, फिर भी आप लोग बताना कमेंट करके ये माइक में वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, मेरे को अच्छी नहीं आ रही है यार, क्या पता किस वजह से यार इतना अच्छा माइक लेने के बाद भी खिच 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 की आवाज़ आ रही है, अपनी अच्छे से क्लियर वॉइस क्यों नहीं आ पा रही है यार, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे इतना पैसा लगाने के बाद। और जब GoPro लिया होंगे तब भी आवाज़ नहीं आएगी, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार सेम। कम से कम आवाज़ तो क्लियर आनी चाहिए इतना पैसा लगाने के बाद यार, पता नहीं आवाज़ तो क्लियर आ रही है यार, आई थिंक मेरे को अभी जाके सुनूंगा, आप लोग बताओ कमेंट करके कि आवाज़ ही आ रही है भैया, तो इस माइक को ले लेंगे अपन, नहीं तो वापस कर देंगे भैया को अपना 1700 रुपये वापस ले लेंगे, फालतू में पैसे लग जाएंगे मतलब, फिर सही बात है ना। अगर वॉइस क्लियर आ रही है कोई दिक्कत नहीं हो रही तो बताना आप कमेंट करके, क्योंकि इतने दिन माइक लगा रहा था 150 रुपये माइक लगाया था मैंने, तो उसमें तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसमें बताओ कैसी आ रही है आप लोग। फिलहाल मैं सोन आई गली में उसको लेने जाता हूँ खेत उसके घर पर ही, गली के बाद आगे वो आ रही है ट्रक, खराब कुत्ते है गली के सारे। आवाज़ तो यार देखते हैं गाड़ी की अच्छी आवाज़ आ रही है, माइक में भी आनी चाहिए यार, ये सोनिया चलो गाइस गाड़ी घुमाते हैं अभी तो, बाकी बातें वहीं करेंगे आगे चल के। बेटो शंकर जी और इसको बिठा के थोड़ी भगा दो तेज, Thank you.
गाड़ी की आवाज़ तो अच्छे से आ रही है, लेकिन सर्विस करने के बाद गाड़ी का पिकअप बढ़ गया, क्योंकि अपन ने आरपीएम बढ़वाया था ना गाड़ी का। कपड़ों देख लियो, दो दिन हो गया देखे ना, काली पड़ी नहीं पड़ी थोड़ी, दिखा सही। अब जाएगी घर पे, गाइस मेरे को छोड़ के चली गई थी है। क्या बटी से फर्क नहीं पड़ा? मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा, बिना फालतू में लड़ लुड़ा के जाएगी तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? इंसान को जब समझती नहीं है बंदी तो क्या फर्क पड़ेगा? इंसान को फर्क तब पड़ता है जब वो हमेशा घर पे जाके कैसा लगा? ओहो देख बालन बांधरी का चोटी ली, बंदी का भाई खतर, बालन बांधे देख जन, ओहो देख 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 लारम कदी बांधी नहीं, मार कर आज तक नहीं बांधी, कुने दिखा भाई खतर बांधियो मेरी चा मेरी, मैं कैसे भी रहूं। तू तेरे घर पे छोड़ के गई है, खाने के लिए मिला कुछ अच्छा? मैं तो रात का पनीर बनाने खाया 1 किलो रखा तो होगा। हाँ पड़ी है सब्जी, और मेरे हाथ की सब्जी खाएगी ना तू, तेरे मुंह के अंदर पानी आ जाएगा। जिंदगी में नहीं खाई होगी तुमने ऐसी सब्जी, इतनी मस्त सब्जी बनाई मैंने। तो फिर खाना तुम ही बना लिया करो ना। और गाइस जना यार अभी माइक का समझ में नहीं आ रहा मुझे, चलो कोई ना, हमारी लड़ाई हुई जो हुई, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हर कपल के बीच में होती है लड़ाई। ये नहीं आ रहा था, इसको मैंने बहुत मुश्किल से समझाया, मुझे लेने आता, इसने मुझे कहा कि मैं नहीं आऊंगा, बस में आ जा। तो वही बात है ना, जब गई जब तो 150 रुपए का उठा करके गई, वापस आई क्यों नहीं आई? तो बस में आती, कोई बात है क्या? जब तक इंसान को एहसास नहीं होता ना, उसको वैल्यू पता नहीं होती है। तो मैंने इसको, और जब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा ना, जब तुम्हें वैल्यू पता होगी, तो इसको वही लड़की थी जो मुझे झेल सकती थी, लेकर आना किसी लड़की को जो तुम्हारे थप्पड़ खा सके। छोड़ जाऊं अटी, छोड़ जाऊं कांदी रे, तो उठे मैं जा रही हूँ। पहली पुरस्त देखो ये आई गड़े मिलने, कौन है तू? मैं जानता ही नहीं तेरे को, बात खत्म। हाँ यार अजीब लड़की है, आ रही है हक कर रहा, नहीं कर रहा। कर दियो ना हक, पकड़ ली तू, बात खत्म। तूने पकड़ा मेरे को, माई नई टी शर्ट की खुशबू सूंघ ले, मस्त रहे खुशबू सूंघ कर, और कही हक कर मेरे को, कर लियो ना, और क्या कर रहा है? सोने तेरे पापा आ रहा है, बुद्धि देख देख, डंडा लेके शंकर सिंह शंकर लाल कम बोला कर, चूटिया मत मार मेरी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भी काट दूंगी मेरे पापा के नाम। चल हट ले चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी निकलते हैं पुष्कर और राइड करेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से माइक का टेस्ट ट्राई करेंगे वापस, चक्के ट्राई करेगा टेस्ट इसका, इसका देखते हैं अभी माइक अच्छे से लगाएंगे हेलमेट पे। सो निकलते हैं सोनिया को लेके, इसको भूख भी लग रही है बोल रही है मुझे, और मुझे भी जिम जाना शनिवार, आप लोगों को पता लेक डे तो लेक लगूंगा जाके अच्छे से। अभी निकलते अपन लोग, और माइक को अब की बार मैंने दूसरी का सेट करा है, वॉइस अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है यार, अभी देखते हैं क्या होता है माइक का। यहाँ पे गाड़ी की बहुत खतरनाक आवाज़ आती है यार, ये क्योंकि ये डिवाइडर है ना, तो डिवाइडर का टकरा के आवाज़ वापस आती है, इसलिए KTM की आवाज़ भयंकर वाली आती है। आगे पुलिस वाले तो नहीं है ना, अपनी गाड़ी का प्लेट नंबर भी नहीं है, इस चौराहे पर हमेशा पुलिस वाले रहते हैं। अरे तो जीव दुखने लग गया सच में यार, क्या पता माइक को अच्छे से सेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या माइक वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। अब तो 1700 रुपये का माइक लिया यार, अब तो अच्छे से वॉइस आनी चाहिए इसमें से, क्या पता क्या हो रहा है, या तो हेलमेट की दिक्कत हो सकती है फिर तो, अगर वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही तो फिर अब तो हेलमेट की दिक्कत होगी और किसी की दिक्कत नहीं होगी, या फिर GoPro लेना ही पड़ेगा और क्या फिर यार। एक तो क्या यार हमारे यहाँ के रास्ते भी पूरे खराब हैं, अजमेर के तो कितने खड्डे खड्डे हैं, पैसा वैसे बड़े बड़े राइडर आते हैं जो वो तो स्पीड में चलते हैं 200-200 की स्पीड में चलते हैं, थोड़े ऐसे रास्ते आ जाते तो गिर जाते हैं फिर तो हमारे पुष्कर। ए जंप तो होने ही नहीं चाहिए यार, क्या अगर जंप और जंप नहीं होंगे तो यार एक्सीडेंट भी होंगे, सही बात है, जंप होना भी ज़रूरी है वरना लोग अपनी लाइन क्रॉस कर देंगे फिर वही बात है, स्पीड से भगाएंगे गाड़ी को। कभी हम लोग इसके अंदर जाके आप लोगों को इसका लोकेशन दिखाएंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, बस कैमरा यूज़ करने देते हैं, इसके अंदर पैसे लगते हैं अलग से, पता नहीं पहले तो फ्री था यार, पता नहीं आजकल पैसे लेने लग गए, वो ये कि पहले लालच देते हैं और फिर करने देते हैं, इसके अंदर पैसे लगते हैं अलग से, पता नहीं पहले तो फ्री था यार, पता नहीं आजकल पैसे लेने लग गए, वो ये कि पहले लालच देते हैं और फिर पैसे लेते ज़्यादा। अभी जैसे पुष्कर में अभी वो 7 अजूबे बने, पहले तो फ्री था, अब पब्लिक आने लग गए ना तो वहाँ पे टिकट लगने लग गए, 1% एक बंदे का 10 रुपये लगते हैं, और ये गवर्नमेंट कहीं से तो कैसे पैसे निकालती है, कहीं से भी निकला हो लेकिन निकलवाती जरूर है पब्लिक से। अभी हम पहुँच गए पुष्कर घाटी, अभी थोड़ी देर में पुष्कर भी पहुँच जाएंगे मैडम को लेकर, और इसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं सोनिया को लेकर आ गया वापस, और ये लड़ाई करी थी, अब तो नहीं जाएगी इन बापू छोड़ के मेरे को, मुझे तेरी बहुत याद आ रही, लेकिन इसने एक बार भी बोला कि मैं भी तुझे मिस कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, छोड़ के कौन गया,
मैं तो नहीं गया, तू गई छोड़ के। ये कैसे गई मेरे से? और आंटी ने 200 रुपया भी देना है कल तक। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? 200 रुपया भी देना आंटी ने। तुमने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? तो गुस्सा दिला दियो तो थप्पड़ मारोगे तो रख लो किसी और लड़की को ऐसे। ठीक है जा तू, पाजी जा, पाजी टाव एक कटा वो एक खाल तक खाली तेरे पे। सो अभी मैं जा रहा हूँ जिम और वर्कआउट लगाने, यार लेट डे तो अभी लेट हो गया, 8:30 हो गई और ये बोली यहीं पे रुक जा, बट रुकूंगा नहीं मैं, थोड़ी सी आधा घंटा भी लगाऊंगा ना लेट तो थोड़ा मजा आएगा। मेरी मानता तो रुक जाता, तो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोगों मैं वापस आ गया जिम से और जिम में वीडियोस वगैरह बना नहीं पाया क्योंकि लेट गया था ना यार, मतलब 8:30 बजे समथिंग गया था मैं। सो सोनिया खाना बना रही है मेरे लिए, ये रही। ओए क्या करती थी इधर? कुछ नहीं, कुछ तो कर रही होगी, फोन चला रही थी। और क्या कर रही थी? फोन वीडियो देख रही थी। क्या बना रही है मेरे लिए? रोटी बना रही, सब्जी तो तुमने बना के रख रखी थी। और गाइस ना मैं कल की सब्जी खा रहा हूँ सच में, वो खराब नहीं हुई, क्या करे यार, खराब नहीं होती है, बहुत से लोग फ्रिज में रख देते हैं। सही बात है, कोई ना खा लेते हैं। तो गाइस ये लड़की मेरे हाथ की सब्जी खा रही है, अभी इसको पूछता हूँ कैसी लगी। ये देख सकते हो मैंने इसके लिए रखी है, कैसी लगी? अच्छी है। सच बता तेरी माँ की, तूने पहली बार खाई होगी ऐसी सब्जी, इतनी मस्त सब्जी। जब इसे खाना बनाना आता है तो फिर तू मेरी छत पे कुछ लाला पड़ जाएगी, मुंडा बना इतनी मस्त सब्जी क्या बना दी है ना, मालूम भी बढ़िया है ना। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा है ना खाना बना, तो कल को मैं मर जाऊंगी तो तुम कुछ खा पी तो सकते हो अच्छे से। गाइस आप लोग हमारा व्लॉग देखते हो बट हम बाबू भैया का व्लॉग देख रहे हैं अभी दोनों वन प्लस में, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है तो व्लॉग अच्छे लगते हैं उनके, तो व्लॉग देखता हूँ मैं काफी अच्छे। आई होप कि एक दिन मिलेंगे एक दिन जरूर उनसे, है ना सोनिया? हम भी व्लॉगिंग करने लग गए, मतलब मोटर व्लॉगिंग, क्या पता अपने भी अच्छे व्लॉग चलने लग जाएंगे, कभी ना कभी टकरा जाए। ओके हाँ टकराएंगे हम, कहाँ लद्दाख में, ले लद्दाख में, ले लद्दाख की राइड पे टकराएंगे हम बाबू भैया से। क्या पता वो तुम्हारे बैठे होंगे ना। सही बात है, और चाच भी लाया था बट ये बोल रहे चाच अच्छी नहीं है, क्यों? स्मेल आजी। अजी इसमें सही बात है, कोई ना गाइस सोनिया भी खाना ना खा लेती है जब तक मैं व्लॉग देख लेते हैं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, है ना। और गाइस ना आज मेरे फ्रेंड बता रहे थे वीर भाई आपकी बहुत बुराई करते हैं, बहुत बुराई मतलब बहुत ज्यादा बुराई करते हैं लोग, मतलब हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं गिने चुने हेटर्स, जिनको हेटर्स बोल लो। बट वीर रुकेगा नहीं, वीर अपनी मेहनत करेगा, काम करेगा, वीर आगे बढ़ेगा और तुम बोलते रह जाओगे, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी आंखें फट जाएगी बस। सही बात है ना बेबी, क्योंकि वीर जो सोचता ना, वीर जो सोचता ना वीर करके रहता है, जो मैं एक बार सोचता ना वो करके रहता हूँ। सच कह रहा है ये, बल्कि बहुत से लोग है, देखो इसके परिवार में भी बहुत से लोग है, ठीक है, इसकी यारी दोस्ती के भी बहुत से, जैसे अभी मैं इसकी यारी दोस्ती में मैं इसकी अच्छाई कर रही हूँ तो मेरे साथ वाला इसकी बुराई करेगा, और मेरे परिवार वाले आप मानोगे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब नोचते मेरे माँ बाप को, तो इतना नोचते कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप एक ही चीज कहते हैं कि तू अपने काम पे ध्यान दे, इन लोगों का क्या है, ये भोगते हैं कुत्ते, आप लोगों ने देखा है ना कितने भोगते हैं, तो ऐसे ये लोग भोगते हैं। और रही बात की देखो मैं जो सोचता ना वो करके रहता हूँ, अभी जो मेरे दिमाग में जिस दिन सटक गया ना जो मैं सोच रहा ना वो लेके भी आ जाऊंगा बहुत जल्दी। प्लीज तो अपना दिमाग मत सटका लेना, उन्हें बताने तो क्या ला के रख देगा। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ ना सोनिया को पता है, फोन भी ऐसे आया था, गाड़ी भी ऐसे आई थी। और उस टाइम मैं नहीं थी, ठीक है, गाड़ी आई जब मैं नहीं थी, फर्स्ट मोबाइल लिया जब मैं नहीं थी, सेकंड थर्ड मोबाइल जो लिया था तब मैं थी। हाँ मतलब ऐसा हो गया देखो एक साल के अंदर, अभी बहुत कुछ अचीव करेंगे यार। लोगों ने टोटके कर दिए, हम लड़ते रहते हैं। मिलते भी थोड़ी देर में, हमारा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी हेलमेट को सही करना है इसको, क्योंकि ये भी लगाना है इसका, मैंने खोल दिया था काफ़ी टाइम पहले, सो अभी इसको भी सेट करना है, ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। सोना ने अभी दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और फिलहाल फ्रूट वगैरह पड़े, बाबू ने सही जगह रखे थे फ्रूट ने सारे। हाँ जब मैं रहती तब तो खाता नहीं। मेरे ओके सो प्यारा सा कमेंट करना तुम्हारे भाई के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।